Sutton plays a character called Francis, who's a local Goan lad who plans a very, very big con with the help of the absolutely beautiful Sunny Leone. Well, jackpot का experience बहुत अच्छा रहा है. Shoot करने के दौरान मतलब हम लोग ने ये film आप जानते हैं गोवा में shoot किया है. दो ढाई महीना उसमें काफी मेहनत की वहाँ पे and shoot करने से ज़्यादा I think it was fun shooting there. मतलब मजाक मस्ती चलती रही काम के साथ. जैसे किसान ने आपको बताया कि ये फिल्म में ये कॉन गेम है जो मैं नसीर साहब और सनी हम लोग इस फिल्म में प्ले कर रहे हैं बड़ा जैकपॉट जीतने के लिए. आप देखेंगे फिल्म के साथ के कौन जीतता है जैकपॉट. That's what jackpot is all about. It was a great experience. I love the story from the very start, and it was written beautifully, sir. And it's the reason why I picked this film. And obviously working with Sachin was a pleasure as well, and working with Nasir sir is, as you know, my jackpot and my dream come true, just being able to work with someone so talented. And I think Kidat sir here put a good group of people together, and we had a lot of fun on the shoot. किस तरह से अलग होगा जो आपने पिछली फिल्म में दो की हैं आजान या मुंबई मिरर की बात करी जाए. हालांकि जो प्रोमो से मालूम पड़ा जो तो आपने बताया मालूम पड़ा लेकिन फिर भी किस तरह से अलग होगा यू नो आपका ये किरदार जो है जो मैं प्ले कर रहा हूँ फ्रांसिस का किरदार है. मेरे कैरेक्टर का नाम फ्रांसिस है. गोवा में पला बड़ा स्ट्रीट स्मार्ट लड़का है और जहाँ तक स्टाइलिंग की बात है तो कैजाद इज नोन टू बी स्टाइलिश इन हिज विद हिज एक्टर्स हिमसेल्फ एंड इन एवरी वे जैसा कि आप देख रहे हैं. और जैसा मैंने कहा कि ये एक कॉन गेम है एक जैकपॉट का गेम है. इसका इसकी जो कहानी है कैसीनो के आसपास सेट की हुई है. और नसीर साहब मैं माया जो सनी लियोन प्ले कर रहे हैं सभी लोग इस कॉन में एक साथ जुड़ते हैं और फिर कैसे डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं और कैसे फाइनली एक इंसान जैकपॉट को जीतता है तो ये उसकी कहानी. As far as Jackpot and Ragini is concerned, Jackpot is just coming before. There's no rhyme, there's no reason. This is an open date for Sachin sir. So that's about it. And Ragini hopefully will be a success as well. And what do I think of Bollywood and everything that's going on? I think this is a dream. I'm really happy everybody came out tonight. I know there's a lot going on this evening. So we do appreciate everybody coming. मैं कुछ हमेशा नया करने की कोशिश करता हूँ कुछ नया करूँ उसी में मुझे मजा आता है. एंड आई फील अगर मेरा रास्ता अपने आप बन रहा है और मेरी सोच से बन रहा है विच एवर वे आई एक्सेप्ट बोथ. ये सचिन का आइडिया था. एक दिन उसने कॉल करके मुझे बताया कि आप व्हाट डू यू थिंक ऑफ सनी लियोनी फॉर दिस वन. तो मैंने सीट से वहीं पे गिर गया. मैं बोला अरे अभी ले लो अभी अभी आज अभी मीटिंग करवा लो इस वक्त. Two ghante baad we were having dinner and we talked about the film and she read it the same night and next morning she said yes. So it was great. Sachin, why is Sunny? Well, Sunny किसी से छुपा हुआ नहीं है कोई राज नहीं है. She is extremely popular और उनकी एक fan following है अपने आप में. She's created a mark for herself. That was one reason. And second जो किरदार मुझे कैजाद ने सुनाया था और उन्हीं दिनों आई वॉज मीटिंग हर एंड आई वॉज टॉकिंग टू हर अबाउट और भी अलग अलग प्रोजेक्ट्स के बारे में बात कर रहा था मैं. तो जब मैंने कहानी सुनी तो मुझे लगा कि ये कैरेक्टर उनके लिए एप्ट है. That is how I suggested Sunny to Kezar. It's a question for all three of you. The film is a con film, right? So have you ever been conned or have you conned anyone? I haven't conned anyone, but sometimes. मैं शायद कौन होते रहता हूँ मतलब कई बार हो चुका हूँ तो कौन करना इस फिल्म के जरिए मैंने सीखा है. तो नेक्स्ट टाइम कोई मुझे कौन करेगा मैं उसको जाके कौन करूँगा. इस फिल्म में कौन के अंदर एक कौन है. सो इट्स अ प्लॉट विद इन अ प्लॉट. ओके थैंक यू सो वेरी मच. थैंक यू.